गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आज है फ्राइडे और आज मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ। पूरा वीक हम काम करते हैं, बहुत मन लगा के इवन काम करते हैं, तो उसके बाद जब वीक में एक दिन हम सब एक साथ मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ और एक वीक अच्छे से काम करेंगे ताकि वीकेंड हम फिर से इस तरह से एक साथ बिता पाए। एक्चुअली मैंने अभी अभी मेरा एक शूट कंप्लीट किया है और उसके बाद थोड़ा सा मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है, एक्चुअली ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती है एंड थोड़ा लेट भी हो चुकी हूँ सच बोलूँ तो चलिए अभी चलते हैं। पर कहीं पर भी अगर जाती हूँ ना, तो उससे पहले मेरा एक शावर लेना बनता है, क्योंकि शावर लेने से सिर्फ आपका बॉडी नहीं, आपका माइंड भी कूल होता है। जब मैं कहीं पे जाती हूँ तो उससे पहले बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती, पर हाँ बहुत अच्छे से एक शावर लेती हूँ, स्किन केयर हेयर केयर करती हूँ और इससे बहुत गुड फील होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब मिलता है मुझे। शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का HA और इससे मेरे हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट एंड पहले से भी ज़्यादा मैनेजेबल हुआ है और ये मेरा रिसेंट फेवरेट शैम्पू है। और कंडीशनर भी मैं यूज़ करती हूँ, ऑब्वियसली इसका जो सेट आता है वो लॉरियल पेरिस का HA कंडीशनर और ये भी बहुत ही अच्छा है। और इवन मैं इस सेट को यूज़ करके इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि जस्ट कुछ ही दिनों में इसका मुझे फ़ायदा नज़र आया है। और सच बोलूँ तो पूरे साल इतना ज़्यादा सेल्फ केयर करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलता, तो वीक में एक दिन मैं अच्छे से सेल्फ केयर करती हूँ और उस टाइम में ओनली बॉडी वॉश नहीं, मैं ब्लू नेक्टर का ये बॉडी वॉश एंड स्क्रब यूज़ करती हूँ और इससे एक्सफोलिएशन का भी काम हो जाता है और उसके साथ साथ बॉडी वॉश का जो फ़ायदा है वो भी मिल जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है बिकॉज मेरा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा पहले से सॉफ्ट एंड जितने भी डर्ट्स हैं ना, कुकिंग करना और सारे जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें करना, तो सारे डर्ट्स निकाल देते हैं और स्किन बहुत सिल्की एंड सॉफ्ट फील होता है। अभी मैं फेस वॉश यूज़ करूँगी और ये मैं यूज़ कर रही हूँ एम कैफिन का। एंड देन फेस एक्सफोलिएशन और इसके लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ एम कैफिन। और मोरोकन ऑयल मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मैं हेयर में जब भी सीरम अप्लाई करती हूँ तो इसे अप्लाई करी हूँ, इसे लास्ट एक साल से मैं यूज़ करी हूँ एंड दिस इज द बेस्ट। सीरम अप्लाई करने के बाद मैं हेयर को एक बार कॉम कर लेती हूँ ताकि पूरे हेयर जो है वो एकदम से स्ट्रेट हो जाए एंड देन उसके बाद जब ये हेयर ड्राई होता है ना तो बिल्कुल स्ट्रेट और जहाँ से आप हेयर सेपरेट करते हो तो उस तरह से उस मैनर में हेयर सेट हो जाता है। और कहीं पर भी जाने से पहले अपने आंखों की तरफ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं करती हूँ और इसलिए मैं पिक्सी का आई पैचेस यूज़ करूँगी। ये मैं नॉर्मली एवरीडे करती हूँ, पर जब भी आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जब आपको लगता है कि थोड़ा सा टायर्ड आप फील कर रहे हो तो ये उस टाइम में बहुत ज़्यादा काम आता है। तब तक मैं अपना ड्रेस सिलेक्ट कर लेती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ, पर हाँ बहुत ही सिंपल सा कुछ पहनने वाली हूँ ऑब्वियसली क्योंकि फ्रेंड्स के साथ ही आज मीटअप है और जो कि एवरी वीक होता है, तो चलिए चूज कर लेते हैं। आई पैचेस रिमूव करने के बाद मैं फेस क्रीम अप्लाई करूंगी और ये मैं यूज करी हूँ लॉरियल पेरिस का HA रेंज का डे क्रीम। और जब भी हम कोई फेस क्रीम यूज करते हैं तो उसे हमेशा हल्के हाथों में उसे डैब डैब करते हुए ब्लेंड करना चाहिए, उसे बिल्कुल भी स्किन को एब्जर्व करवाने के लिए इसे बिल्कुल भी प्रेशर देके हमें ब्लेंड नहीं करवाना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल आपके नेक और चेस्ट, मतलब फेस से लेके एकदम चेस्ट तक जहाँ तक एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ तक अगर आप फेस क्रीम को अप्लाई करेंगे ना तो स्किन टोन और इसका जो टेक्सचर है स्किन का, आपके फेस के स्किन का, वो कंटिन्यू करेगा वहाँ तक। जहाँ सवाल है मेकअप का, तो मैं तो ज़्यादा मेकअप करूँगी नहीं तो, और बेंगलोर में फ़िलहाल तो दो चार दिन से काफ़ी गर्मी पड़ी हुई है तो थोड़ा बहुत स्वेट आ रहा है, तो फेस क्रीम तो अप्लाई कर ही लिया था तो अभी मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर लूँगी। आंखें और आईब्राउज सेट करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेकअप ना भी करना चाहे तब भी ये दो चीज़ बहुत अच्छा है ताकि बिना किसी मेकअप के भी आपका फेस लुक्रेटिव लगे।
एंड देन आईलैश कर्लर और उसके साथ मास्कारा, और मैं बाकी आँखों के लिए और कुछ नहीं करूँगी। तो आईलैशेस में अगर थोड़ा सा वॉल्यूम और लेंथ आ जाए ना, तो और कुछ नहीं चाहिए होता है आँखों के लिए। अभी मैं लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ, पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कौन सा लिपस्टिक अप्लाई किया जाए। मैं हमेशा पसंद करती हूँ न्यूड शेड, और स्पेशली वेस्टर्न आउटफिट के साथ तो न्यूड शेड मुझे बहुत पसंद है, पर वो अभी मिल नहीं रहा है फिलहाल तो। और ये अभी मुझे मिल गया है, मेरा फेवरेट लैक्मे का ये न्यूड शेड का लिक्विड लिपस्टिक, और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन वेस्टर्न कोई भी आउटफिट पहनो ना, इसका एक अलग ही लुक होता है, हर एक स्किन टोन के साथ भी ये मैच हो जाता है। और एक रिस्ट वॉच जो कि ऑल ओवर आपके लुक को एक स्मार्ट लुक देगा, और इसके साथ जाएगा स्मॉल हुप इयररिंग गोल्डन शेड में। तो हो गई हूँ मैं रेडी अभी जाने के लिए। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अभी 10 बज चुके हैं रात के। और ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हो ना मारीगोल्ड से सजा हुआ, तो अभी फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, तो अभी जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, मुझे लगता है कि इसमें अगर थोड़ा सा फेस्टिव वाला वाइब आ जाता है ना, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए फेस्टिव सीजन के लिए इसे मैंने डेकोरेट किया है, आगे चल के और भी अच्छी तरह से कुछ डिफरेंट कुछ करेंगे। तो चलिए गाइस, अभी मैं चलती हूँ, तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।